नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और हाजिर हूं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने संबल 2.0 योजना। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाता हूं क्या है संबल 2.0 योजना और क्या क्या इसके फायदे हैं और कौन कौन व्यक्ति इसका जो है संबल योजना का कार्ड बनवा सकता है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आइए दोस्तों आपको बतलाता हूँ मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला वाला जो उसका ऑप्शन है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर राज्यों के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा संबल योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता में आप देख सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से आपको 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सामान्य मृत्यु की दशा में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं सामान्य मृत्यु की दशा में इसमें 2,00,000 रुपए का जो है आपको सहायता राशि दी जाएगी। मतलब यह है जिसका संबल 2.0 का कार्ड बना हुआ है और धारक की नॉर्मल अपने आप ही अगर मृत्यु हो जाती है बिना दुर्घटना के, बिना एक्सीडेंटल के, तो अगर उसके परिवार वाले आप इसके सहायता मतलब नगर निगम कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उनको 1,00,000 रुपए की जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं जिसमें आप देख सकते हैं दुर्घटना मृत्यु सहायता राशि 4,00,000 रुपए है। यदि संबल कार्ड धारक की मान लो किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है और उसके परिजन नगर निगम कार्यालय या संबंधित कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन करते हैं तो संबल कार्ड धारक को उसके परिवार जनों को 4,00,000 रुपए तक का जो है आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब अगला हम अगर इसके लाभ के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं आंशिक दिव्यांगता सहायता राशि 1,00,000 रुपए है। मतलब जो भी मतलब दिव्यांग जन हैं जिनको आंशिक रूप से दिव्यांगता है उनको भी सरकार इस कार्ड के माध्यम से 1,00,000 रुपए की सहायता राशि जो है प्रदान करेगी। और इसमें हम आगे देखें तो इसमें हमें दिखलाई देता है स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना 2,00,000 रुपए की सहायता राशि। मतलब जो परमानेंट दिव्यांग जन है उनके लिए इस कार्ड के माध्यम से 2,00,000 रुपए तक की सहायता राशि जो है प्रदान की जाएगी। हम और भी अगर संबल कार्ड के लाभ के बारे में अगर हम देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, दूसरा आप देख सकते हैं इसका लाभ दुर्घटना लोगों को स्वास्थ्य में बीमा, तीसरा आप देख सकते हैं तय सीमा तक बिजली बिल में माफी के लिए भी आप इसे उपयोग में ला सकते हैं। और इस योजना के तहत यदि आप कृषक हैं तो आप बेहतर कृषि उपकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और संबल योजना धारक को अंत्येष्टि सहायता राशि की भी प्रदान की जाती है। दोस्तों इसमें स्वास्थ्य प्रसूति योजना के तहत भी संबल कार्ड धारक जो भी मतलब स्त्री होती है उसको लाभ दिया जाता है। मान लो अगर किसी स्त्री को डिलीवरी होती है और उसका संबल कार्ड बना हुआ है तो उसे यह अपना संबल कार्ड अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में लगाना है जिसके तहत उपरोक्त महिला को 16,000 रुपए तक की सहायता राशि इस कार्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। आइए दोस्तों अब बतलाता हूँ अगर किसी भी व्यक्ति का संबल योजना का जो है कार्ड बना हुआ है तो आप किस प्रकार से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पोर्टल में ऊपर की तरफ हितग्राही विवरण, हमें इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम इस विकल्प के ऊपर क्लिक करते हैं हितग्राही विवरण विकल्प के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 9 अंकों की संबल समग्र आईडी हमें डालनी है। मतलब यहाँ पे हमें अपनी समग्र मेंबर आईडी डाल देनी है। तो आइए हम यहाँ पे अपनी समग्र मेंबर आईडी जो है डाल दे रहे हैं। और उसके बाद हमें विवरण देखें जो ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इसके ऊपर हमें एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम विवरण देखें बटन पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हितग्राही का हमें नाम दिखलाई दे रहा है
ये आप देख सकते हैं, हमें लेफ्ट साइड में हितग्राही का नाम दिखलाई देता है, उसकी फैमिली आईडी दिखलाई देता है, उसके पति पति या पिता का नाम हमें यहाँ पे दिखलाई देता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा संबल कार्ड बना हुआ है कि नहीं। यदि हम संबल कार्ड का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ राइट हैंड की तरफ देख सकते हैं, संबल कार्ड प्रिंट करें, ये वाला जो विकल्प है संबल कार्ड प्रिंट करें, इस वाले विकल्प के ऊपर हमें एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप संबल कार्ड प्रिंट करें विकल्प के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हितग्राही का संबल कार्ड हमारे सामने आ जाता है। तो आप इस प्रकार से अपना संबल कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति का जो है संबल कार्ड बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इसमें पंजीयन हेतु आवेदन करें, ये वाला जो विकल्प है पंजीयन हेतु आवेदन करें, इस विकल्प पे हम क्लिक करके किसी भी व्यक्ति का जो है नया संबल कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए हमें समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आइए इस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर समग्र आईडी, मतलब हमें उस मेंबर की समग्र आईडी डाल देनी है जिसका हमें संबल कार्ड यहाँ पे बनाना है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं परिवार आईडी, यहाँ पे हमें उस व्यक्ति की जो है फैमिली आईडी डाल देनी है। तो आइए हम यहाँ पर डिटेल फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम समग्र खोज बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे सामने जो है अगला इंटरफेस दिखलाई देता है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रिय आवेदक, आपकी ई केवाईसी की जानकारी प्राप्त हो गई है, परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण है, कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट कर इसे पूर्ण करें। इस प्रकार हमें यहां ओके बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहां पे हमें हमारी डिटेल दिखाई देने लगी है। जैसे आप देख सकते हैं आवेदक की समग्र आईडी का नंबर हमें दिखलाई दे रहा है, आवेदक का नाम हमें यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, आवेदक की जन्म तिथि यहाँ पे हमें दिखलाई दे रही है, आवेदक का जो है स्थायी पता वो भी हमें यहाँ पे दिखलाई दे रहा है। इस प्रकार से हमारे जो है समग्र आईडी की सारी जानकारी केवाईसी के माध्यम से हमें संबल कार्ड बनाते के समय यहाँ पे हमें दिखलाई देने लगती है। अब आप आगे यहाँ पे देखेंगे आवेदक का प्रकार, यहाँ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें दिखलाई देता है असंगठित श्रमिक, तेंदुपत्ता संग्राहकों का, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति है। जो भी कुछ है हम अपने अनुसार ले लेंगे, बाकी सामान्य जो आम नागरिक का होता है उसके लिए हम असंगठित श्रमिक, जो नॉर्मल मतलब पर्सनल कार्य कर रहे हैं, सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो वो असंगठित श्रमिक जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जो तेंदुपत्ता बीड़ी संग्रह वगैरह का कार्य करते हैं वह इसमें आ सकते हैं। विमुक्त में विमुक्त के अंतर्गत आने वाले लोग आ जाएंगे, और घुमक्कड़ में घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लोग जो कि घूम घूम कर अपना धंधा व्यवसाय करते हैं वह इसमें आएंगे। तो हम अभी असंगठित वाला ले रहे हैं, जिसमें कि हम नॉर्मल लोग आ जाते हैं, कोई भी दुकान वाले हों, फल सब्जी किसी भी तरह का धंधा करने वाले, प्राइवेट कार्य करने वाले जो भी लोग होंगे तो वह असंगठित श्रमिक के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ हम असंगठित श्रमिक वाला ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शिक्षा का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, तो शिक्षा वाले विकल्प पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है शिक्षा के बारे में डिटेल दिखाई देगी, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, स्नातक या स्नातकोत्तर। तो यहाँ पर जो भी संबल कार्ड जो बना रहा है आवेदक, जो भी उसकी शिक्षा है उसे हम अपने अनुसार ले लेंगे। अब इसके बाद नियोजन का व्यवसाय चुनें, हम इस वाले विकल्प के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो भी कार्य है उससे संबंधित हमें विकल्प ले लेना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अगर कोई कृषि का कार्य करता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन कृषि में नियोजन आपको दिखलाई दे रहा है, दूसरा आप देख सकते हैं दूध डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन, पशुपालन नियोजन आदि, मछली पालन का कार्य, वानिकी नियोजन में सम्मिलित, रेशम उत्पादन का कार्य, लैटराइट, गोलासम, मृतिका का निकाला जाना, भवन, पत्थर निर्माण आदि, पत्थर तोड़ने तथा दलने का नियोजन, पक्की ईंट बनाने,
मतलब आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित आपको यहाँ पर विकल्प दिखाई देगा, उसे हम अपने अनुसार ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आवेदक सिलाई का कार्य करता है तो हम यहाँ सिलाई वाला ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ सिलाई वाला ऑप्शन हमें दिखलाई देने लगा है। इसके बाद आप अगला ऑप्शन देखेंगे, क्या आप व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहेंगे। अगर आप करना चाहते तो यस बटन पर क्लिक करेंगे और नहीं करना चाहते हैं तो नो बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगला ऑप्शन आप यहां देखेंगे, क्या आप आयकर दाता हैं। अगर आप आयकर दाता हैं, रिटर्न वगैरह देते हैं, तो आप यहां से हाँ कर सकते हैं और नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मगर आप यहां पर हाँ करेंगे तो आप इसके लिए अपात्र हो जाएंगे, आप जो है संबल कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नहीं विकल्प का ही ऑप्शन लेंगे। अब यहाँ आप अगला ऑप्शन देख सकते हैं, मेरे अथवा मेरे पति पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है। यदि आप यहां पर हाँ कर देंगे तो आप फिर से संबल कार्ड के पात्र नहीं रह जाएंगे, इसलिए आपको यहां पर नहीं कर देना है। फिर यहां पर पूछ रहा है, क्या आप या आपकी पति पत्नी किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। यहां भी आपको हाँ या नहीं ऑप्शन दिखलाई देते हैं। अगर आप यहां पर हाँ करेंगे तो आप संबल कार्ड के लिए पात्र नहीं रह जाएंगे, तो आप यहाँ पर फिर से नहीं करेंगे। और लेकिन आपके पति या पत्नी शासकीय कर्मचारी हैं तो आप हाँ का विकल्प का चयन करेंगे तो आप जो है संबल कार्ड के पात्र नहीं रहेंगे, क्योंकि संबल कार्ड उन व्यक्तियों का बनना है जो कि शासकीय कर्मचारी नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर सारी जानकारी जो है सही सही देनी है। हम यहाँ नहीं विकल्प का चयन कर रहे हैं अभी। यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी समग्र आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखलाई देने लगेगा। और उसके बाद हम नीचे आकर देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे परिवार समग्र आईडी में जो जो भी सदस्य हैं उनकी डिटेल यहाँ पर हमें दिखलाई दे रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे सदस्य जो भी हमारे ईमेल समग्र आईडी में रजिस्टर्ड हैं सबकी मेंबर आईडी यहाँ पर हमें दिखलाई दे रही है और सभी का नाम यहाँ पर हमें दिखलाई दे रहा है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ हमें घोषणा दिखलाई देता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं असंगठित क्षेत्र में उपरोक्त लिखित प्रकार से नियोजित हूँ तथा जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखती हूँ। इस प्रकार हमें 3 यहाँ पर विकल्प दिखाई देते हैं, जिसे आपको अच्छे से पढ़ लेना हो, तीनों को चेक ऑन हमें इस प्रकार से कर देना है। और आप देखेंगे नीचे आपको दिखाई देगा आवेदन संरक्षित करें। सारी कुछ जानकारी भर जाने के बाद एक बार हमें अच्छे से इसे चेक कर लेना है और सब कुछ सही होने पर हमें नीचे फिर से आ जाना है। और आप यहाँ पर देखेंगे आवेदन संरक्षित करें, ये वाली जो बटन है, ये वाली, इस बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमें सक्सेस का जो है मैसेज दिखलाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जन संबल कल्याण योजना के अंतर्गत आपका आवेदन जमा कर लिया गया है। आपका आवेदन क्रमांक जो है यहाँ दिखलाई दे रहा है, लोकल बॉडी का नाम दिखलाई दे रहा है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो है पावती जो आपको अभी दिखलाई दे रहा है, यह आवेदन क्रमांक लेकर आपको अपने नगर निगम कार्यालय में जाना है। और नगर निगम कार्यालय में जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा और आपका संबल कार्ड जो है 3 या 4 दिन के अंदर नेट पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ये थी संबल कार्ड से संबंधित जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। और आपने अभी तक बिग थिंक बड़ी सोच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।